हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और आज हमारे यहाँ पे एकादशी, तो मैंने सोचा आज सुबह सुबह आप लोगों के साथ थोड़ा सा छोटा सा शेयर कर लेती हूँ। आज मैं छोटा सा शेयर करेंगे, आज दिन भर क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो आज एकादशी है, तो ऐसे तो ठंडा है, अभी सुबह सुबह के टाइम में देख ही पा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे मौसम है, लेकिन एकादशी है तो इसलिए, और घर में थोड़ा सा काम भी कर रही थी और नहा धोकर, इसलिए मैं मुझे ठंडा नहीं लग रहे, अभी गर्मी लग रहे, ज़्यादा गर्मी नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहे, इसलिए मैंने स्वेटर नहीं पहनी हूँ। तो देखिए अभी सुबह का मौसम कितना अच्छा लग रहा है, और दिखाती हूँ बाहर थोड़ा सा, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए एकादशी है, अभी खाना पीना बनाना है, पूजा पाठ मैंने कर लिया है, तो थोड़ा सा छोटा सा भगवान को दर्शन भी कराऊंगी आप लोगों को, और एकादशी का प्रसाद ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे सुबह सुबह। और यहाँ पे चार्ज में आज सुबह आज कोई आया है, इन लोगों का तो थोड़ा कुछ काम है ना क्या है, तो एक आदमी आया है सुबह सुबह। और अभी नज़ारा दिखाती हूँ आपको लोगों को, सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो इतना सुबह नहीं उठती हूँ, कभी कभी उठ जाती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह सुबह का फ्रेश हवा भी चलता है ना, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ठंड भी लग रही है थोड़ा बहुत। देखा है ना, सुबह सुबह ये आदमी आया है काम करने के लिए इंचार्ज में, तो मैं इसे थोड़ा सा शेयर भी कर लेती हूँ। और अभी भगवान को मैंने पूजा पाठ कर लिया है, अभी खाना पीना बनाना है, तो अभी वही करेंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे। सुबह सुबह कौन बनाएगा, और रात को देखती हूँ क्या बनाती हूँ क्या करती हूँ, वो छोटा सा शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए आज क्या करती हूँ वही आप लोगों के साथ छोटा सा शेयर करेंगे। और मेरा जितना सारा फ्रेंड मेरा वीडियो देखते हैं, सबको थैंक यू सो मच। और आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और बहुत सारे मुझे प्यार दीजिए। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अंदर चलती हूँ, अभी भी ठंडा लग रहा है, अभी थोड़ा अभी लग रहा है, अभी स्वेटर पहनना है। ये देखिए मेरा भगवान को भी थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए आप लोग। सुबह सुबह देखिए हम पूजा पाठ कर लिया है, तो मेरा घर में बहुत अच्छा फूल होता है, अभी जितना सा फूल होता है मेरा भगवान को हो जाता है। तो आज सुबह सुबह मैंने पूजा पाठ कर लिया है, भगवान को मैंने अच्छे से फूल से सजा भी दिया है। ये मेरा तुलसी महारानी है। यहाँ पे देखिए मैंने खिचड़ी बना लिया है, तो मैंने रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी, आज नहीं किया है। ये श्यामा सीड का खिचड़ी है, और अभी फूड से बहुत सारे, तो फ्रूट्स और खिचड़ी और ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, तो इसलिए मैंने खिचड़ी बना लिया। और मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा सब्जी वब्जी डाल के खिचड़ी बनाया, और यहाँ पे मूंगफली फ्राई किया है, तो इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट और चिली पाउडर दिया है, तो बहुत टेस्टी लगता है। को तो दिखाया, आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाए थे दिन में, सिर्फ खिचड़ी और फ्रूट्स वगैरह थे, और मूंगफली मैंने फ्राई किया था, वही हम लोगों ने खा लिया है। तो खाना पीना हो गया सब कुछ। अभी मामा बहुत, मेरा बेटी और बहुत रो रही थी, तो हस्बैंड और दोनों मिलके खेल रही है बाहर। तो चलिए दिखाती हूँ दोनों क्या कर रही है अभी बाहर। ये देखिए वो बबल्स है ना, उस दिन हम लोगों ने खरीद के लेके आए थे, तो मैंने तो छुपा के रखे थे, तो आज उसको मिला है, तो एक कटोरी लेके गया मेरे पास, जो जाके बोला ये देने के लिए, तो मैंने दे दिया। तो पापा को लेके वो बाहर आ गया, पा उसको डैडी को बोल रहे डैडी बबल्स बनाने के लिए, तो वो खुद कर नहीं पाती है, कैसे बनाते हैं बबल्स उसको नहीं कर पाती, फूंक देना होता है ना, तो उससे नहीं बबल्स बनते। वो ट्राई करती है लेकिन उससे नहीं होता है, तो वो देखिए वो ट्राई कर रही है लेकिन नहीं हो रहा है, वो नहीं बनाना पाते, लेकिन उसको बहुत इंजॉय करती है वो, उसको डैडी को बोला है वो बाउल्स बना और वो खेलेगी ऐसे करके। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दिया है, ज़्यादा देने से जब तक ख़त्म नहीं होगा ना तब तक उसके साथ ऐसे खेलते रहना है, देख ही पा रहे आप लोग। क्योंकि को खेलने वाला तो कोई मिलता नहीं है, तो कोई है तो नहीं, तो यहाँ पे खेलने वाला कोई मिलता नहीं है ना, तो इसलिए मामी के साथ और पापा के साथ ही खेलना है। तो
तो इसलिए उसके पापा को बुला के ले गया और डैडी उसको डैडी बैठ के वो बाबूज बना रहे और वो खेल रही है। बहुत जोर से चिल्ला रही थी, बहुत ही ज़्यादा जोर से, तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। देखिए कैसे खेल रही है बहुत इंजॉय कर रही है, देख के भी अच्छा लगता है ना। तो कोई बच्चा उसके साथ रहता तो खेलते तो ठीक है, लेकिन कोई नहीं है तो इसलिए वो ये सब लाना पड़ता है। बाबल्स बोल रही जो बोलता है वही ले ला के देते उसको पापा क्या करें अभी। और देखी पारे कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही है, तो बच्चे लोग खेलने से भी अच्छा लगता है ना। तो अभी एक प्रॉब्लम हो गया यही है, तो देखिए जब जितना देर तक ख़त्म नहीं होगा ना तब तक उसको बाबल्स उसके साथ ऐसे बनाना ही पड़ेगा और वो ऐसे खेलेगी थकती नहीं हो, बहुत जोर से भाग रही है, चिल्लाती है, बाबल्स के पीछे पीछे भाग रही है। देखिए जिधर जिधर जा रहे उधर उधर भाग रही हो, देख ही पा रहे कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही है। वो कोशिश कर रही है लेकिन नहीं बना पाते। उसका पापा को भी ठीक से बनाना नहीं आती, बहुत सारे होता है लेकिन उनको भी नहीं आ रहे ठीक से। तो देख ही पा रहे कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही है मेरी बेटी। और देखिए हम लोग घर में आ भी गया है और शाम के लिए पिज़्ज़ा भी बन रहा है, एकादशी पिज़्ज़ा। तो मैं नहीं दिखाया, मैंने बोला है ना नेक्स्ट डे को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एक छोटा वाला पिज़्ज़ा हुआ, एक बड़ा वाला पिज़्ज़ा हुआ, तो देख ही पा रहे कितना यामी लग रहा है। तो ये एकादशी पिज़्ज़ा, तो नेक्स्ट डे में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और ये वाला बड़ा वाला पिज़्ज़ा है, तो देखिए लुक वेरी यामी, तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो एकादशी पिज़्ज़ा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है हमारा डिनर रात का है, पिज़्ज़ा और कुछ नहीं। तो डिनर करके फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। एकादशी पिज़्ज़ा देखिए लुक वेरी यम्मी। देखिए अभी मैं बैठी हूँ, अभी थक गई हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए सोचा थोड़ा सा बात भी कर लेती हूँ। और मेरा बेटी तो अभी सो रही है, लेकिन अभी सोएगी और थोड़ी देर बाद वो उठ जाएगी, फिर पूरा रात वो और नहीं सोती है, और 4 बजे सोएगी, 3-4 बजे। तो इसलिए अभी थोड़ा सा सो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बात भी कर लेती हूँ। और आज एकादशी का वो रात को पिज़्ज़ा बनाए थे, तो रेसिपी आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी, तो इसलिए नहीं दिखाया। और जानते तो हुए मैं एक करने के लिए जाती हूँ, कुछ हो जाता है कुछ और, तो इसलिए नहीं होता है। तो मैंने सोचा बाद में आप लोगों के साथ नेक्स्ट में आप लोगों के साथ एकादशी का वो पिज़्ज़ा शेयर करूँगी, क्या ऐसे बनाते, बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। दिखने में जैसे यामी है, खाने में भी सच में बहुत टेस्टी बने थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मेरा बेटी तो ऐसे नहीं खाती है, तो उसका चीज़ है ना ऊपर का वही खाती है। तो हस्बैंड शाम को काम पे, तो हस्बैंड काम पे गया है, तो इसलिए हस्बैंड को दे दिया है, तो मैंने भी थोड़ा सा आराम भी कर लिया है। तो आप लोग तो देखा है मेरा बेटी कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी वो बाबल्स लेके, तो अच्छा है इंजॉय करने तो अच्छा लगता है ना बच्चे लोग खेलने से। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ है, मुझे लगता है मैं क्यों लाई वो, नहीं लाते तो अच्छा होता, क्यों लाए थे ऐसे लगती है क्यों लाए। और जब तक वो बबल्स का पानी ख़त्म नहीं होता है ना, 1 घंटा आधा घंटा वो बबल्स बनाते ही जाओ बनाते ही जाओ बनाते जाओ। उसका पापा 1 घंटा किया है, फिर उसके बाद घर आके मुझे बोला है मैंने भी किया है। जब तक वो बबल्स का पानी नहीं ख़त्म होता है ना तब तक वो रुकती ही नहीं है। वो जो बिग वाला कटोरी है ना वो लेके आते, उसको वो सोचती है उसमें ज़्यादा दे देंगे तो बहुत टाइम तक होगा बबल्स, तो इसलिए वो लेके आते हैं और कुछ नहीं चाहिए, वो कटोरी में ही उसको बबल्स लेना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ। और तो चलिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मिलता आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा वीडियो आप लोगों को तो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी मामा भी लगता है उठ गई है, तो आप लोगों के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।